हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज़वेल इंडिया का खास प्रोग्राम बॉलीवुड गपशप, जहां होता है आपका बॉलीवुड से डायरेक्ट कनेक्शन, क्योंकि यहां मैं आपको बॉलीवुड की चटपटी खबरों से रूबरू कराती हूं। तो चलिए करते हैं शुरुआत मसालेदार खबरों के साथ। बारिश और लॉन्ग ड्राइव है ना, एकदम कॉम्बिनेशन खास। लेकिन हो जाए आपकी गाड़ी का टायर फ्लैट तो हो जाएगा एकदम शॉकिंग। तो चलिए डालते हैं नजर एकदम रॉकिंग और शॉकिंग खबरों पर। सीरियल की ऐसी कौन सी बहू है जो चुनौतियों का सामना नहीं करती? भाई ये तो असंभव है, क्योंकि लगभग सभी बहुएं चुनौतियों का सामना करती हैं। अब इस लिस्ट में चाहत का नाम भी जुड़ गया है। वैसे वो पहले भी मुश्किलों में उलझ चुकी है, लेकिन अब की बार चुनौती थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इस बार चाहत को किसी को मनाना है जो कि अभी बच्चा है। भाई अब ये तो सच में बड़ी चुनौती है। खैर आइए देखते हैं चाहत की ये अनोखी चाल। नील और चाहत की जिंदगी में हर दिन नई मुसीबतें और नया चैलेंज आते रहता है। अब देख लीजिए कैसे नवेली घर वालों के खिलाफ खड़ी हो गई है। भला एक भाई अपनी बहन को कैसे छोड़ सकता है? अब हुआ यूं कि नील की बहन नवेली को भूपेंद्र से प्यार हो गया है और वो किसी भी कीमत पर भूपेंद्र से शादी करना चाहती है। प्यार की खुमारी इतनी है कि नवेली अपने भाई नील की भी नहीं सुनना चाहती, और यहाँ तो चाहत का काम ही सबको मनाना है। नील तो बाद में, लेकिन पहले यहाँ दुआ को मनाना पड़ेगा। अब यहाँ दुआ की डांस प्रैक्टिस चल रही है, तो सवाल ये है कि अगर दुआ नाच सकती है तो दूसरे को अपने इशारों पर नचा भी सकती है। वैसे तो चाहत ने अब तक बहुत मुसीबतों का सामना किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि चाहत इस सिचुएशन से जरूर निपट जाएंगी। हो गया है आगाज पवित्र रिश्ता सीजन 2 के शूटिंग का, और ये खुशखबरी दी है उन्हें अल्ट बालाजी ने अपने सोशल मीडिया के जरिए, और साथ ही उन्होंने अपने सभी फैंस को बता दिया कि उनका नया मानव कौन है। जी हाँ, शहीर शेख बनेंगे नए मानव और अंकिता निभाएंगी अर्चना का किरदार, साथ ही उषा नायकर आई के किरदार में नजर आएंगी। वहीं अभी सीरियल में कुछ नए किरदार भी नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि सीरियल को डायरेक्ट किया है नंदिता मेहरा ने। आइए डालते हैं एक नजर। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और एक्ट्रेस से राइटर बनी ट्विंकल खन्ना दोनों बॉलीवुड के हिट कपल्स में से एक हैं। अक्षय कुमार के पास दौलत, शोहरत से लेकर अच्छा परिवार सब कुछ है, लेकिन क्या आप दोनों की लव स्टोरी के बारे में जानते हैं? ट्विंकल और अक्षय की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। क्या आप जानना चाहेंगे कि दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत कब और कैसे हुई? तो चलिए जानते हैं इस अजब प्रेम की गजब कहानी के बारे में। वेल, रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विंकल और अक्षय की मुलाकात फिल्म फेयर मैगजीन के एक शूट के दौरान हुई थी। अक्षय भी शूट के लिए वहां पहुंचे और ट्विंकल पर पहली नजर में ही फिदा हो गए। लेकिन उस वक्त अक्षय ने सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की के साथ वो शूट कर रहे हैं वो उनकी जीवन साथी बनेंगी। हालांकि अक्षय के पास फिल्म फेयर वाली वो पहली तस्वीर आज भी मौजूद है, जो उन दोनों की पहली मुलाकात की पहली निशानी है। एक इंटरव्यू में अक्षय ने कहा था कि उन्हें ट्विंकल की खूबसूरती ने उतना नहीं इम्प्रेस किया जितना कि उनकी क्वालिटीज़ ने इम्प्रेस किया था। इधर अक्षय ट्विंकल के साथ शादी के सपने देख रहे थे, तो वहीं उधर ट्विंकल के दिमाग में कुछ और चल रहा था। रिपोर्ट्स की माने तो जिस वक्त अक्षय ट्विंकल के प्यार में गिरफ्तार हुए, उस वक्त ट्विंकल अपनी लाइफ में ब्रेकअप के फेज से गुजर रही थी और वो किसी भी रिलेशन में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन ट्विंकल ने न जाने क्या सोचकर अक्षय को 15 दिनों के लिए अपना बॉयफ्रेंड बनाया, और बस फिर क्या था, इन्हीं 15 दिनों में ट्विंकल अक्षय की ओर खींची चली आई और बाद में ये प्रेम कहानी आखिरकार शादी तक पहुंच गई। एक तो बरसात का मौसम और ऊपर से प्यार की बरसात हो जाए, और वो भी फैंस की, तो कितना मजा आ जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनोखी और शौर्य की, जो फैंस के बेपनाह प्यार की बरसात में जमकर मजे ले रहे हैं। और वो कहते हैं ना, जब दिल लगाकर काम करो और उस काम के लिए आपको ढेर सारा प्यार और ढेर सारी तारीफें मिले, तो भाई सोने पे सुहागा। कुछ ऐसा ही हुआ शौर्य और अनोखी के साथ। आइए देखते हैं दोनों की खुशियों की एक झलक। शौर्य और अनोखी का प्यार दीवाना है, और बस यही कारण है कि फैंस अपना ढेर सारा प्यार अपने चहेते स्टार्स पर लुटाते रहते हैं। अब अनोखी के सेट पर ही देख लीजिए, फैंस अपने प्यार को नजराने के तौर पर तोहफे में भेजे हैं, और वो भी शौर्य और अनोखी के लिए, जिसे देखकर दोनों लवली कपल्स ने फैंस को ढेर सारा प्यार और धन्यवाद दिया। वास्तव में फैंस का यही प्यार और सपोर्ट स्टार्स को अच्छा काम करने के लिए मजबूर करते हैं, ताकि वो अपने फैंस का बेशुमार प्यार पाते रहें।
स्टार कपल विरुष्का। जी हाँ, सही पकड़े हैं, हम बात कर रहे हैं फेमस कपल विराट और अनुष्का की। इन दोनों की जोड़ी वैसे तो हमेशा ही सुर्खियों में रहती है, ठीक वैसे ही विरुष्का की बेटी वामिका भी जन्म के साथ ही सुर्खियों में रहती हैं। फैंस वामिका की एक झलक के लिए बेताब रहते हैं। आपको बता दें कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बेटी वामिका अब 6 महीने की हो गई है। इस मौके को अनुष्का और विराट ने सिंपल लेकिन यादगार तरीके से सेलिब्रेट किया। दोनों पेरेंट्स ने पार्क में बेटी के साथ एक छोटी सी पिकनिक पार्टी की, जिसकी तस्वीरें अनुष्का ने अपने फैंस के साथ शेयर की हैं। तीनों की प्यारी फोटो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इन तस्वीरों में अनुष्का और विराट दोनों अपनी बेटी को गोद में लिए हैं। पिक्चर में अनुष्का वामिका को गोद में लिए खुले आसमान की ओर इशारा करते हुए वामिका को आसपास की चीजें दिखा रही हैं। वहीं दूसरी फोटो में वामिका पापा विराट की गोद में हैं। वामिका ने पिंक एंड पीच कलर की फ्रॉक में पिंक शूज पहने हुए हैं। इस सेलिब्रेशन को उन्होंने केक कटिंग के साथ पूरा किया। इन तस्वीरों को देखने के बाद वामिका की एक झलक के लिए फैंस की एक्साइटमेंट जरूर बढ़ जाएगी। अनुष्का ने अपनी बेटी के 6 मंथ पूरे होने पर लिखा, उसकी एक मुस्कान पूरी दुनिया बदल सकती है। उम्मीद करती हूँ कि हम उस प्यार पर खरा उतर सके जिसके तुम हमसे उम्मीद करती हो। हम तीनों को हैप्पी 6 मंथ। भोजपुरी की मशहूर और खूबसूरत एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अक्सर अपने वीडियोस और फोटोज की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। अब हाल ही में अक्षरा का हिंदी गाना मेरी वफा रिलीज हो गया है। फिल्म निर्माता हैदर काजमी के OTT प्लेटफॉर्म मस्तानी पर सुपर हॉट गर्ल अक्षरा सिंह का ये गाना रिलीज के साथ वायरल भी हो रहा है। बता दें कि मेरी वफा अक्षरा का एक हिंदी गाना है जिसे अक्षरा ने खुद की सुरीली आवाज दी है। यूं तो अक्षरा सिंह के गाने की धूम YouTube पर खूब रहती है, लेकिन अब उनके गाने OTT प्लेटफॉर्म मस्तानी पर भी धमाल मचाने लगे हैं। वैसे तो अक्षरा सिंह का गाना मेरी वफा एक सैड सॉन्ग है। फैंस के अच्छे रिस्पॉन्स के बाद अक्षरा सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, मुझे अच्छा लग रहा है कि हैदर काजमी जैसे दिग्गज और संजीदा फिल्म मेकर के OTT प्लेटफॉर्म मस्तानी पर मेरे गाने को जगह मिली है। अक्षरा ने कहा कि ये गाना बेहद अच्छा है, आप जरूर सुनिएगा। बता दें कि इससे पहले मस्तानी OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज द रेड लैंड रिलीज हो चुकी है, जिसमें पूर्वांचल की जातिवाद की लड़ाई के खूनी अंजाम को दिखाया गया है। हैदर काजमी ने मस्तानी के बारे में कहा था, ये सार्थक और प्रगतिशील सिनेमा के लिए एक बेहतर मंच है। इस प्लेटफॉर्म पर हैदर काजमी के निर्देशन में बनी फिल्में रिलीज होंगी। इसके अलावा दुनिया भर में बनी अच्छी और सार्थक फिल्में इस OTT प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को देखने को मिलेगा। ZTV के पॉपुलर शो जिंदगी की महक के फेम सिद्धार्थ सिपाही इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है। जी हाँ, खबर मिली है कि सिद्धार्थ 15 जुलाई को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अनीशा के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। बता दें कि लव बर्ड्स करीब 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब दोनों कपल शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और इस बात से दोनों बेहद खुश हैं। सिद्धार्थ ने खुद हाल ही में अपनी शादी के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि मैं खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ के लव से शादी करने जा रहा हूँ। हमारा संगीत 14 जुलाई को होगा और 15 जुलाई को शादी होगी। सिद्धार्थ ने आगे बताया कि अनीशा कोलकाता से है और हम 3 साल पहले बैंकॉक में मिले थे। मैं वहाँ छुट्टियाँ मनाने गया था और वो भी वहीं छुट्टियाँ मना रही थी। इसकी शुरुआत दोस्ती से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे हमारे बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया जो कुछ ही समय में प्यार में बदल गया। जब हमने अपने परिवार से शादी की बात की तो वो भी राजी हो गए। बता दें कि अब शादी के लिए दुल्हन और उनका परिवार दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। वहीं सिद्धार्थ और अनीशा दोनों शादी की खरीदारी करने में काफी बिजी चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा ये दिन बड़ा खास हो, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। दोनों की शादी में कोरोना प्रोटोकॉल के चलते सिर्फ 50 मेहमान ही शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि सिर्फ करीबियों को ही न्योता दिया गया है। अपने हनीमून प्लान्स के बारे में सिद्धार्थ ने कहा कि 19 जुलाई को हम 5 दिनों के लिए गोवा जाएंगे और जब भी चीजें बेहतर होंगी हमने एक उचित हनीमून के लिए तुर्की जाने की प्लानिंग की है। बॉलीवुड गपशप में फिलहाल के लिए इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स की लाइफस्टाइल, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सी, हर खबर मिलेगी बॉलीवुड गपशप पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।